हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के 7:40 हो रहा है, तो देख सकते हैं अभी ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। डिक्टेशन लिखेंगे है ना? चलिए पहले इंग्लिश से लिखना है, फिर हिंदी से लिखना है। चलिए पहला लिखिए फर्स्ट में स्कूल, और जिसका जितना रॉन्ग होगा उतना स्टिक लगेगा। समझ आ रहा है ना? yes. स्कूल लिख लिए। yes. सेकंड लिखिए स्टूडेंट, बाइसिकल हो गया फोन नंबर में। नेक्स्ट yes. लिखिए बुक, बुक को बंद करना, क्लोज कीजिए। आकांक्षा का देखिए, अभी मैथ का इसका टेस्ट हुआ है, चेक हो रहा है। आकांक्षा कितना क्लास में है? नर्सरी। आपका तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। अच्छा से घर में पढ़ते हैं ना? देखिए फ्रेंड, मैथ में इनका आ गया है 96 आ गया 100 में, तो वेरी गुड मिलना चाहिए। लीजिए और आपको प्राइज मिल लीजिए, कलर और इरेजर। अच्छा से पढ़ाई करेंगे ना? ठीक है। और तुम लिख रहा है, इसको स्टिक लगाना होगा। लिखता नहीं है, लिखता नहीं। चलो विज्ञापन, नेक्स्ट लिखिए सुविचार, महाभारत। याद करके आना पूरा, समझे ना? चलिए अपना अपना सीट में बैठिए सब। प्रियांशु कुमार महतो, कुमार 20 में 17 आया है, फिर स्टिक लगेगा। अच्छा से लिखेगा ना? 1 2 3। राहुल कुमार 20 में 19 लाया है, एक स्टिक। उसके बाद है विशाल कुमार 20 में 18 लाया है, 2 स्टिक। डोली कुमारी 20 में 12 लाई है, कितना चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। भीम कुमार 20 में 12 लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 20 में 14, कितना स्टिक लगाना चाहिए? 25। 1 2 3 4 5 6। वो भी नहीं आता है, 20 में 14 माइनस करने नहीं आता है। अयोध्या भारती 20 में 13 सही है, कितना चाहिए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा से लिखिएगा तब ना, इतना इजी लिखा हुआ था क्वेश्चन का, बहुत हार्ड था। उसके बाद है प्रेम कुमार 20 में 18, 2 1 2। एक भी किसी का नहीं हुआ 20 में 20 सही। अब आगे बार प्रयास करना है ना अच्छा से, और होमवर्क में पूरा कंप्लीट कर। देख सकते हैं फ्रेंड, ट्यूशन पढ़ा लिया, उसके बाद आ गया थोड़ा इधर खेल की तरफ। यहाँ हम लोग का गांव का देख सकते हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। आज संडे भी है तो देख सकते हैं, अभी वॉलीबॉल का मैच हो रहा है। 200 यहाँ अभी गेम चल रहा है, देखिए देखिए। अभी बहुत ही रोमांचक खेल हो रहा है गेम। फुटबॉल हो गया फ्रेंड इस साइड में, देख सकते हैं। इस साइड हुप है, उस साइड में अभी 3 है, देख सकते हैं। देखिए इस साइड दर्शक बैठा हुआ है, देखिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है, देख अच्छा।
सकते हैं। गेम बोलोगे आपने टीम, अभी गेम बोल दे दिया है। देखिए टीम ये वाला टीम जीत गया। फ्रेंड नहाने के लिए जाता हूँ, नहा के फ्रेश हो लेता हूँ। फाइनली फ्रेंड नहा लिए हैं, खाना खाने के लिए आया रहे हैं। देख सकते हैं पनीर है, साग है, सरसों का भात है, तो खा लेते हैं खाना। काफी कड़ा धूप है फ्रेंड अभी। आज फ्रेंड दादाजी का अचानक सुबह सुबह बहुत ही कमजोरी टाइप का लगने लगा और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, तो कुछ समय के बाद डॉक्टर को बुलाएं तो डॉक्टर बीपी जांच किया और बोला कि पानी चढ़ाना होगा कुछ बोतल। तो हम लोग मेडिसिन लाने के लिए गए और पानी का बोतल भी, तो वहाँ से लाने के बाद कुछ समय के बाद डॉक्टर बीपी जांच करने के बाद पानी चढ़ाने के लिए तैयार होने लगा और पानी भी चढ़ाने लगा। तो पानी चढ़ाते चढ़ाते लगभग दो बोतल पानी चढ़ ही गया और काफ़ी उम्र भी होने चला है, लगभग 65-70 के आसपास होने ही चला है उम्र। तो कमज़ोरी टाइप का बहुत लग रहा था, तो पानी चढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद बिस्किट विस्किट कुछ कुछ खाएं और दवा भी खाए हैं दादाजी। उसके बाद हम भी बीपी जांच कराने लगे, तो देखते हैं। तो मेरा जांच करके बताया डॉक्टर, मेरा लगभग 120/80 है, यानी कि नॉर्मल ही है मेरा। नॉर्मल है। गणेश जी का बीपी चेक हो रहा है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भगवान से ही दुआ कीजिए कि मेरे दादाजी जल्दी ठीक हो। फाइनली फ्रेंड दादाजी के पानी चढ़ गया, अभी सोए हुए हैं देख सकते हैं। आज तो कहीं जा नहीं पाया क्योंकि यहीं टाइम बीत गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।